नोएडा में सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं, ये देखिए जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी की रिपोर्ट में। 6 से 7 आतंकवादी छुपे होने की जानकारी गृह मंत्रालय को जांच एजेंसियों ने दी है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम नोएडा की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और जगह जगह पीसीआर वैन लगाकर ऐसे इलाकों पर चेकिंग की जा रही है जहां पर संदिग्ध हो सकते हैं, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह। हमारे सीधे हाथ पर जीआईपी मॉल है। जीआईपी मॉल की अगर बात की जाए तो यहां पर दिल्ली एनसीआर से काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके बराबर में सेक्टर 18 मार्केट है। सेक्टर 18 को मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है। तो एनसीआर भर के लोग यहां पर शॉपिंग करने के लिए या घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर इलाकों की चौकसी बढ़ाने के निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। तमाम भीड़ भाड़ वाली जगहों के सुरक्षा बढ़ाने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है और बैरिकेडिंग लगाकर भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो मेट्रो स्टेशन है उन मेट्रो स्टेशनों पर आने जाने वाले लोगों की भी चेकिंग नोएडा पुलिस द्वारा की जा रही है। जो आपको बता दें कि नोएडा इसलिए अलर्ट पर रहना जरूरी है कि यहाँ पर पिछले दिनों 5 नक्सली सेक्टर 49 थाना इलाके के बरोला से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किए थे और वो नक्सली बिहार के रहने वाले थे और यहाँ अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए नोएडा में काफ़ी समय से रह रहे थे। आज से पहले भी कई बार संदिग्ध लोग यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। अब क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ ये जिला है और यहाँ पर गांव के इलाके या झुग्गी झोपड़ी वाले जो इलाके हैं ऐसे इलाकों में रहकर जो आतंकी हैं वो अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए इस जिले को भी अलर्ट पर रखा गया है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा।